इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की न्यूज। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। मैं देखना चाह रहा था आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या इश्यूज हैं? टॉप ग्रेजुएशन से बहुत बेस्ट रिजल्ट लुक में आए होंगे अपनी स्टेट के, यूपी स्टेट। सर 500 में कैसे जाते थे सर, 10 लाख अप्लाई करने वाले लोग हैं, सीट है सर मात्र 173। बैकअप है सर? बैकअप नो बैकअप दिक्कत है सर कि हम कंप्यूटर ही छुए इंटरनेट। नीति निर्माण के स्तर पर सिविल सेवा में सचिव स्तर पर जैसे कि जो वंचित वर्ग है उसकी भागीदारी बहुत ही कम है, सर उनकी पॉलिसी कैसे हम लोगों के फेवर में हो सकती है? मेरी ब्रॉडली थिंकिंग है कि बताओ हाउ इज इट, कैसा चल रहा है? मैं देखना चाह रहा था आप लोग की सिचुएशन कैसी है, क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या इश्यूज हैं, थोड़ा समझना चाहता था। अभी मैंने ये यात्रा की, आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर, तो उसमें मुझे एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली कि जब भी मैं युवाओं से बच्चों से पूछता था क्या करना चाहते हो तो सिर्फ 5 जवाब मिलते थे। मतलब 99.99% लोगों ने मुझे बस 5 जवाब दिए, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या फिर पुलिस और आर्मी। शायद एक लड़की मिली जिसने कहा कि मैं अपना बिजनेस चलाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज डायरेक्टली आपसे आगे थोड़ा पूछ लूँ, आपकी एस्पिरेशन क्या है, क्या कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो, क्या मुश्किलें हैं, ये मैं समझना चाह रहा था क्योंकि आप उन 5 में से एक सर सिस्टम में 2-3 जगह खामी है। पहले तो एजुकेशन, हम सर ग्रामीण भूमि चाहते हैं, मैं यूपी का, पूर्वी यूपी का। कहाँ के हो? बनारस। तो सर वहाँ सिस्टम ये दिक्कत है सर कि हम कंप्यूटर ही छुए इंटरनेट, देखे आपको कि कंप्यूटर क्या होता है, तो हमारे लिए IT सेक्टर खत्म। फिर हमको जब तक पता चलता है कि IT सेक्टर का रोड मैप क्या है, अदर बिजनेस का रोड मैप क्या है, स्टार्टअप कैसे खुलते हैं, तो इसकी नॉलेज नहीं होती हमको, तो हम सिंपली BA कर लेते हैं। फिर हमारे आगे अपॉर्चुनिटी दिखती है आर्मी प्लीज UPSC, तो एक प्रतिष्ठावान जॉब हो जाती है UPSC एंड स्टेट PCS के लोकसभा आयोग की सर्विसेज। आप सब ने ये डिसीजन लिया है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, ये जो डिसीजन आपने लिया है ये आपका डिसीजन है या समाज का डिसीजन है या मामा पापा का डिसीजन है या भाई का डिसीजन, किसका है? आपका है? समाज का डिसीजन है, हाँ समाज का है। अगर हमें समाज को अपने ग्रोनअप करना है तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा, उसी के चलते एक रास्ता बचता हमारे पास कि हमारे पास एक अच्छी सैलरी हो और हम अपने आने वाली पीढ़ी को या फिर अपने सराउंडिंग को ग्रोनअप करा सकें। होना नहीं चाहिए, मान लो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया और किसी ना किसी कारण आप पास नहीं हुए तो फिर बैकअप क्या है? बैकअप है सर, बैकअप नो बैकअप। बट आप लोग यंग जनरेशन हो बॉस, अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्लान भी नहीं रखा पास, किसी के पास नहीं होना चाहिए सर। एक्चुअली मिडिल क्लास के पास और मिडिल क्लास के पास प्लान नहीं होता है, या तो हम सर एग्जाम क्लियर करेंगे तो हमारी शादी है। शुरू करने से पहले प्लान बी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं सर भैया, मेरा यही सर। आपकी एज क्या है? 21 पे आप कह रहे हो कि मुझे ऑप्शन भी नहीं चाहिए, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ऑप्शन भी मिल जाए। जॉब क्रिएशन से बहुत बेस्ट रिजल्ट लुक में आए होंगे अपनी स्टेट के, यूपी स्टेट। सर 500 में कैसे जाते थे सर, 10 लाख अप्लाई करने वाले लोग हैं, सीट है सर मात्र 173। अप्लाई करने वाले तो लोग सीटें लगातार जा रही हैं और लड़के जितने भी उसमें कोशिश कर रहे हैं वो या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लगातार कि सुसाइड रेट इंडिया में बढ़ रहा है। मेरी ब्रॉडली थिंकिंग है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, बट बेसिकली क्या है कि बहुत कम लोगों ने हिंदुस्तान का पूरा पावर कैप्चर कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग से ही रोजगार बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग का जो चैलेंज है फ्रेंकली वो चाइना डोमिनेट कर रहा है और हिंदुस्तान को डोमिनेट करना पड़ेगा। जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा 99% पॉपुलेशन 1% जॉब्स को ढूंढता रहेगा। आम मिडिल क्लास का बच्चा है उसको हम इस पटरी पे लगा देंगे, 99% तो आप फेल ही करोगे, 1% निकल जाएगा
वो बहुत खुश हो जाएगा, और 99% क्या कहेंगे, भैया मेरे अंदर नहीं था, मैं नहीं कर पाया। मगर ये झूठ है, आप में कोई कमी नहीं है। अगर मैंने 100 बच्चों को यहाँ बैठा दिया और कहा कि भैया आप में से एक बचेगा, 99 की ठीक है, 10 की गलती हो सकती है, 15 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, बट 30-40-50% की तो नहीं हो सकती। बैंक से हमको लोन मिल जाता आसानी से, अभी जो योजना चल रही पीएम मुद्रा योजना, सर ये दिखावे के लिए तो बहुत है कि वो अल्लाह की बहुत मिल रहा है सबको, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, आप आसानी से नहीं पा सकते मुद्रा लोन, और उसका सर टैक्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। 1% वाले पे बात करना है, जैसे पिछले साल अगर हम जाना भी चाहें तो फंड नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के, और अगर फंड भी दे दें गवर्नमेंट तो उसको लेने पाने के लिए इतनी नॉलेज नहीं है कहाँ से लेंगे, और गवर्नमेंट भी ऐसा तरीका भी नहीं बताता कैसे ले पाए। अगर आप हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को देखो, आपने कहा कि हमें बैंक लोन नहीं मिलता, आपने कहा कि मुद्रा लोन मतलब प्रयास है उसको मिलता होगा, प्रोसेस नहीं है, वो ठीक है, मगर अगर आप देखें तो 10-15 लोग हिंदुस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनका बिजनेस फेल हो सक्सीड हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सबसे पहले वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हाथों में है, 5-10 लोगों के हाथों में। जैसे ना कि मेरा मुद्दा ये है कि जैसे आपने कहा कि जो नीति निर्माण के स्तर पर सिविल सेवा में सचिव स्तर पर जैसे कि जो वंचित वर्ग है उसकी भागीदारी बहुत ही कम है, तो सर उनकी पॉलिसी कैसे हम लोगों के फेवर में हो सकती है? मैंने कभी कर्नाटक में बोला, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि हैं कितने लोग, अगर मतलब हम यहाँ कुछ बांटना चाहते हैं तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा भैया यहाँ पे कितने कितने अलग लोग। तो मैं सोचता हूँ कि पहला कदम सेंसस, आपकी हड्डी टूटी है तो एक्सरे तो करना पड़ेगा ना, एक्सरे के बिना मैं वहाँ पे इलाज करना शुरू कर दूँ कोई मतलब नहीं है, उसके बाद एक बार पता लग गया कौन लोग हैं फिर पॉलिसी बनाने में आसान हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई सर, मैं आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ सर, पहले आप ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ये बात रखी। पॉलिटिकल करियर में भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मेरी सोच है और ये नेचुरली मेरे अंदर है कि जो कमजोर है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी रक्षा करना मेरे लिए पॉलिटिक्स है। सर, कौन सा मूवमेंट तुम्हारे जोड़ो यात्रा में आया था जिसने मतलब आपको झकझोर के रख दिया, जिसने आपको दुखी किया, और एक वो मूवमेंट जिसने? बहुत सारे क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या लगा भारत जोड़ो में कि इतनी एनर्जी है देश में, मतलब अनलिमिटेड है और जाया हो रही है, सही दिशा में इस्तेमाल नहीं, मतलब जो इतना कैपेबल लड़का है लड़की है उसके लिए रास्ता ही नहीं बन रहा है, वो धसा पड़ा हुआ है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो ये मुझे मतलब, और ये हर स्टेट में था। राहुल, मेरा 15 इयर्स का ड्रीम था, आप समझ रहे हैं, अच्छा फाइनली आफ्टर 15 इयर्स पूरा हुआ है। ओके, नाइस टू मीट यू। काफी अच्छा लगा, उन्होंने रियलिटी बताई है, भारत की भी रियलिटी और खुद की भी रियलिटी बताई है, जो वास्तव में है वो ही बताया उन्होंने, और उनसे मिलकर जैसा सुना था उससे भी कई अच्छे मिले हैं। वो बात किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे बीच बैठ के हमसे बात कर रहा है, इसी बारे में सर ने बताया कि अगर 100% जनता है उसके 5% बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 95% बेकार है, इसका ये मतलब है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अदर सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। जी के होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियाँ उपलब्ध, पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जी के होंडा, तेलीबांदा रोड, मीनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी, सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज़।